राजधानी लखनऊ की जमीन पर आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच होगा। लगभग 12 साल के बाद भारत साउथ अफ्रीका के साथ घरेलू जमीन पर मैच खेलने जा रहा है। हमारे साथ में खेल मंत्री गिरीश चंद यादव जी हैं। मंत्री जी, आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच, क्रिकेट प्रेमियों में बड़ा उत्साह। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा अवसर है कि उत्तर प्रदेश में ये दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच मैच हो रहा है और यहाँ खेल जगत से जुड़े हुए लोग और खेली प्रेमी और खिलाड़ी सब जो है इकाना स्टेडियम में अभी 1 बजे जो प्रारंभ होगा तो वहाँ जुटेंगे और ये हमारे लिए मतलब एक कहा जाए सौभाग्य की बात है कि यहाँ ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। मंत्री जी, अगर बात करें तो किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की तैयारियाँ की गई? सारी तैयारियाँ कर लिया, सारी चीज़ों पर तैयारियाँ के लिए हम लोगों ने बैठक कर लिया है और सारे मतलब किसी भी जो देखने जा रहे हैं आगंतुकों को भी, खेल जगत से जुड़े हुए लोगों को भी, सारी जो प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर सारे बिंदुओं पर सतर्कता के साथ पूरी सजगता के साथ तैयारी की गई। उत्तर प्रदेश के अगर हम विकास की बात करते हैं, विश्व पटल पर चमकने की बात करते हैं, तो इस तरह के इंटरनेशनल मैच कितने अहम हो जाते हैं? निश्चित रूप से हम लोगों का भी प्रयास है, चूँकि कोरोना संक्रमण काल के दौरान 2 साल की गतिविधियाँ बंद थी, अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे नेशनल गेम में 403 खिलाड़ी, लगभग 404 खिलाड़ी गए हुए, 404 खिलाड़ी गए हुए हैं और वो प्रतिभाग कर रहे हैं, उनका अच्छा प्रदर्शन आ रहा है और हम आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश खेल के जगत में अच्छा प्रदर्शन करें। एक सवाल इससे हटकर, मुलायम सिंह यादव जी सपा संरक्षक, इस समय काफ़ी स्वास्थ्य गंभीर है, मेदांता में अस्पताल चल रहा है उनका। उनका स्वास्थ्य निश्चित रूप से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है कि गंभीर रूप से उनको उनका इलाज जो है वेदांता में चल रहा है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अतिशीघ्र स्वस्थ हों और स्वस्थ होकर जो है फिर से राजनीतिक वो में वापस आवें और निश्चित रूप से उनका राजनीतिक इतिहास बहुत लंबा रहा है, उनका लंबा रहा है और लोकतंत्र के लिए उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ में मंत्री गिरीश चंद यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच की अगर बात करें तो सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और प्रदेश सरकार का यही प्रयास है कि खेल को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए और इस तरह के जो मैच हैं ये भी काफ़ी अहम हो जाते हैं। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।